हेलो दोस्तों, मिरेकल के ये ट्यूटोरियल में कंपोजिशन लेवी कंपोजिशन स्कीम के बारे में डेमो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम कंपोजिशन स्कीम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। कंपोजिशन स्कीम, उसकी एलिजिबिलिटी। कंपोजिशन स्कीम एक वैकल्पिक व्यवस्था है। छोटे और मध्यम व्यवसायी, जिसमें ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर जिनका वार्षिक टर्नओवर 75 लाख रुपए तक है, तो केवल वो ही ये स्कीम का लाभ ले पाएंगे। अगर कोई डीलर सर्विस प्रोवाइडर है तो ये कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे, लेकिन केवल रेस्टोरेंट व्यवसाय के लिए कंपोजिशन स्कीम उपलब्ध है। अब टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं। खरीदे गए माल पर चुकाए गए जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। इसके साथ साथ बिल में भी जीएसटी अलग से नहीं दिखा सकते, यानी कि जो बिल बनेगा वो बिल ऑफ सप्लाई से ही बनेगा। कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट्स है वो देखते हैं। जीएसटी से संबंधित अन्य कंप्लायंस आसान रहेंगे। उनमें से एक है, हमें रिटर्न जो फाइल करना है उसके बारे में। सामान्य टैक्स व्यवस्था की तरह हर महीने में 3 रिटर्न की जगह 3 महीने में केवल 1 हमें रिटर्न फाइल करना रहेगा, यानी कि हमें रिटर्न जो फाइल करना रहेगा वो क्वार्टरली बेस रहेगा, जो छोटे व्यापारी के लिए काफी सरल रहेगा। अब हम मिरेकल में कंपोजिशन स्कीम के सेटअप और परचेसेस एंट्रीज के बारे में देखते हैं। तो सेटअप, उसमें कंपनी सेटअप, उसमें जीएसटी सेटअप, और यहाँ पे जीएसटी ऑटो सेटअप में यहाँ पे जीएसटी एलिजिबिलिटी है, उसमें यहाँ पे कंपाउंड में हमें अप्लाई डेट इंसर्ट करनी है। उसके बाद सेल्स इनवॉइस सेटअप में आगे बढ़ने से पहले फिर से जो दूसरे टर्म्स एंड कंडीशन है कंपोजिशन स्कीम के लिए वो देखते हैं। कंपोजिशन स्कीम अंतर्गत केवल इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ही हो सकेगा, यानी कि सेम स्टेट में ही माल सामग्री का सेल्स कर सकेंगे। तो हमें यहाँ पे है सिर्फ जीएसटी सिलेक्ट करना रहेगा। बाद में परचेस इनवॉइस सेटअप में माल सामग्री जो हमें परचेस करनी है वो हम इंट्रा स्टेट एवं इंटर स्टेट दोनों से कर सकते हैं, यानी कि सेम स्टेट में से और अदर स्टेट में से हम परचेस कर सकेंगे। तो यहाँ पे जीएसटी और आईजीएसटी सिलेक्ट करना रहेगा परचेस इनवॉइस सेटअप में। तो ये था कंपोजिशन स्कीम के लिए सेटअप। अब है छोटे व्यवसायी को रिटर्न में एचएसएन कोड की जानकारी नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि प्रोडक्ट के लिए हमें एचएसएन कोड की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम परचेस में एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम सेम स्टेट से परचेस कर रहे हैं तो जीएसटी, और अदर स्टेट से परचेस कर रहे हैं तो आईजीएसटी सिलेक्ट करना रहेगा। और यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई हमें सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे सीजीएसटी एवं एसजीएसटी की ये जो अमाउंट है उसकी इफेक्ट परचेस अकाउंट के खाते में जाएगी। अब हम सेल्स के लिए एंट्री करके देखते हैं।
यहाँ पे हमें सिर्फ जीएसटी ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम सेम स्टेट में ही सेल्स कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम में, और जो बिल बनेगा वो बिल ऑफ सप्लाई ही रहेगा। और यहां पे बिल अमाउंट की जो इफेक्ट है वो बाय डिफॉल्ट सेल्स अकाउंट के खाते में ही जाएगी। तो दोस्तों, ये ट्यूटोरियल में सबसे पहले हमने कंपोजिशन स्कीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। उसमें हमने देखा एलिजिबिलिटी, उसके टर्म्स एंड कंडीशन और बेनिफिट्स क्या है। उसके बाद हमने मिरेकल में उसके लिए सेटअप और परचेस सेल्स एंट्रीज किस तरह से रहेगी वो हमने डेमो देखा। थैंक यू।